तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या बज में। और आज आपको मैं बताऊंगा इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच जो लास्ट टेस्ट मैच होने वाला है, पांचवा टेस्ट मैच। आपको मेरे चैनल पे पूरी जानकारी मिलेगी, पूरे डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप करने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और अगर मैं ये भी आप लोग से कह दे रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी स्टैट और वीडियो आपको पसंद है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीम के बारे में। टीम के बारे में बात करने से पहले भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टैट के बारे में। स्टैट के बारे में बात करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कौन फॉर्म है, कौन फॉर्म में नहीं है। और इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कौन खेलेगा अगले मैच में, कौन नहीं खेलेगा, कौन इंजर्ड है, ये सब सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो स्टैट की बात हम लोग करते हैं। और स्टैट की बात करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ते हो आपको फाइनल टीम नहीं मिल पाएगी। अभी जो टीम होती है वो सिर्फ डेमो होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी टीम प्लेइंग 11 जब पता होता है तो टॉस के बाद ही पता होता है। टॉस के पहले हम लोग नहीं जान पाते हैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आपको जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन और जो भी कुछ देना होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जाता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर जाओ और इस तरह से @सूर्यावजल में लिखो, वहाँ पर सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल आएगा, जुड़ जाओ। अगर यहाँ से आपको दिक्कत होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। हज़ारों लोग खेलकर फ़ायदा उठा रहे हैं और डेली फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी खेलकर फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद देखो वहाँ पर एक और चीज़ है कि कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं और आपको मैक्सिमम मैच हम लोग जीतते हैं, कोई हवाबाजी नहीं होती, कोई तुक्का नहीं होता। आपको प्रीवियस डाटा और स्टेट्स के आधार पर टीम बनाई जाती है एक्सपर्ट के द्वारा। यहाँ पे देखो ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का ग्राउंड है, आपको 10 तारीख से ये मैच आज से स्टार्ट होगा। और अगर पिच बिहेवियर की बात करें तो पिच बिहेवियर बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर यहाँ का 260 है, टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास रहने वाला है। लास्ट अगर 5 मैचेस की बात करें दोनों हेड टू हेड की, तो इंडिया का अगर देखा जाए तो विन लॉस विन ड्रॉ लॉस लॉस, और इंग्लैंड का अगर बात करेंगे तो लॉस विन लॉस ड्रॉ विन। ये बैटिंग फर्स्ट करने वाली यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो 67% मैच जीतता है इस पिच पे। अगर ये इंग्लैंड की बात करें तो ये 33% मैच जीतते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखो ये जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देता हूँ आप लोग को। ओके, आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हर ग्राउंड पे अलग अलग रिकॉर्ड होता है। किसी बैट्समैन या किसी बॉलर को कोई ग्राउंड बहुत अच्छा मतलब भाता है तो वहाँ पे वो अच्छा करता है, तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि इंडिया यहाँ पर 3 टेस्ट ये पूरे हिस्ट्री में 2 बार सिर्फ हुआ है कि इंडिया यहाँ पे टेस्ट जीता है, और 3-1 से एक बार जीता था 1967-68 में, और 3-0 से एक बार जीता था 2017 में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, इस पिच पे इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। एंडरसन इस पिच पे कभी भी 5 विकेट हॉल नहीं लिए हैं, ये उनका जबकि होम वेन्यू है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना होगा। बुमराह इस ये जो सीरीज करेंट सीरीज चल रही है इसमें ये सबसे अधिक ओवर डाले हुए हैं, 207 ओवर डाल चुके हैं, इनका ये रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास के बाद। और इसके बाद अगर बात करें तो ये 2018 डेब्यू करने के बाद की बात है ये इनका। भुवनेश्वर कुमार के ये अगर एक सीरीज में बात करें तो 19 विकेट सबसे अधिक भुवनेश्वर कुमार लिए थे, अब बुमराह भी उनके बराबर आ गए हैं। उसके बाद देखो प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। प्लेइंग 11 की बात करें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रहाड़े, ऋषभ पंत विकेट कीपर, सरदू ठाकुर, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह। शामी इस मैच में उनको खेलने को उम्मीद है, सिराज थोड़े चोटिल थे तो हो सकता है सिराज को इस मैच में ड्रॉप कर दिया जाए, उनके जगह पर शामी खेलेंगे। अगर यहाँ पर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी 1-2 चेंजेज मिल सकते हैं। मार्कवुड खेल सकते हैं यहाँ पर, एंडरसन, रॉबिन्सन, मार्कवुड, मोइन अली, क्रिस ओक्स और ओली पॉप, जोस बटलर बैरिस्टो के जगह, डेविड मलान, हमीद और बर्न्स, ये आपको प्लेइंग 11 इंग्लैंड की हो सकती है। ये एक संभावित है, कोई ज़रूरी नहीं यही होगा, इसमें से 1-2 चेंज भी हो सकते हैं, तो आप लोग टॉस के बाद मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो हम लोग बात करें
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछला मैच में किन्होंने क्या किया है उसके आपको रिकॉर्ड, एक मिनट, आपको पिछला रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया है सब मैं यहाँ पे डाटा के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ। पिछला मैच में किसने किसका क्या रिकॉर्ड है, अगर हम लोग सबसे पहले इंडिया का बात करें तो इंडिया का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया का यहाँ पे सबका मैंने रिकॉर्ड लिखा है। और रोहित शर्मा का पूरे एक मैच से लेकर 4 मैच तक का, पिछला मैच मैं बात करूँगा, आप लोग बाकी उसके पिछले मैच का रिकॉर्ड आप लोग देख लेना। रोहित शर्मा 11+127 रन, राहुल 17+46 रन, पुजारा 4 रन और 61 रन, ये पहली और दूसरी इनिंग दोनों का स्कोर है पिछले लास्ट में। कोहली पिछले मैच में अच्छा किए थे, 50+44 दोनों इनिंग्स में। रहाड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और मेन प्लेयर की अगर हम लोग बात करें, ऐसे आप लोग सबका देख सकते हो, मैं एक एक का बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग सबका देख सकते हो, इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका और आप लोग खुद से समझ सकते हो। इंडिया की तरफ से मेन बैट्समैन की बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, पंत, जडेजा, ये मेन। अगर बॉलिंग की बात करें तो ईशांत शर्मा खेलेंगे नहीं, मोहम्मद शमी, बुमराह और शार्दुल ठाकुर, ये मेन आपको ये बॉलर हैं। और अगर स्पिनर की बात करें तो रविंद्र जडेजा। और यहाँ पे देखो शार्दुल ठाकुर पिछले मैच में काफ़ी शानदार, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 57+1 विकेट पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग में 60+, काफ़ी ऑलराउंड प्रदर्शन किए थे। तो आप लोग इनको मिस करना, आपको खतरों से खेलना होगा। उसके बाद मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो शार्दुल ठाकुर का। उसके बाद मैं बता दूं इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड का आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड का ये तो बंस जो 5 और 50 रन, दोनों दोनों बैट जो ओपनर थे सेकेंड इनिंग में अच्छा किए थे, फर्स्ट इनिंग में दोनों फ्लॉप थे। जेड क्रॉली खेल नहीं रहे, उनकी जगह पर मलान खेल रहे हैं, 31+15 रन। और रूट जो हैं एक विकेट भी लिए थे पिछले मैच के लास्ट इनिंग में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। अगर इनके मेन बैट्समैन की बात करें तो बंस, हमीद, मलान, रूट, ये इनके मेन बैट्समैन हैं। बैरस्टो अगर नहीं खेलते तो इनके जगह पे बटलर खेलेंगे, आप लोग उनको ले सकते हो बटलर को। और क्रिस वोक्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने, ये पिछले 3 मैच नहीं खेले थे लेकिन चौथा मैच खेले थे और काफ़ी अच्छा किए थे, रन भी बनाए थे और विकेट भी लिए थे, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। और उसके बाद देखो बटलर नहीं खेलेंगे, अगर बटलर खेलेंगे बैरिस्टो के जगह पे तो बटलर को आप लोग ट्राई कर सकते हो। सैम करन नहीं खेलेंगे, रॉबिन्सन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लगातार विकेट निकाल रहे हैं। मार्कवुड अगर खेलते हैं तो उनको भी एक आप लोग चॉइस अच्छे हैं, उनको ले सकते हो। एंडरसन इनके मेन बॉलर, ओवरटोन भी खेलेंगे, तो ये चीज़ आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो भी इसमें कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे मेन ऑप्शन आपको रूट और वोक्स होंगे, पहले और दूसरे चॉइस मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन। अदर की अगर बात करें तो एंडरसन को भी बना सकते हो, रॉबिन्सन को भी। रॉबिन्सन का क्या है कि विकेट निकालेंगे हर मैच में लेकिन इनकी बैटिंग थोड़ी सी नीचे आती है, उनसे अच्छे आपको क्रिस वोक्स से बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे। इंडिया की तरफ अगर देख रहे हो वाइस कैप्टन के लिए तो शार्दुल ठाकुर को देख सकते हो, जडेजा को देख सकते हो। उसके बाद हम लोग देखो कुछ ऐसे मेन प्लेयर की बात करेंगे जो कि इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्लेयर्स टू वॉच पैटर्स, इसमें क्या है कि इन सब का जो है इस पिच पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और एक दूसरे टीम के खिलाफ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है जिनका भी इनमें नाम है। तो यहाँ पे देखो जो रूट को आप लोग देख सकते हो, 10 ही मैच में 1029 रन, 57 का एवरेज। रॉरी बंस 8 मैच में 479 रन, 31 का एवरेज। रोहित शर्मा का 10 मैच में 828, 48 का एवरेज। पंत का 10 मैच में 1238 का एवरेज, ये देख सकते हो बैट्समैन में। बॉलर की बात करें तो रॉबिन्सन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जेम्स एंडरसन का भी, और अश्विन अगर खेलते हैं तो अश्विन को कंसिडर कर सकते हो, अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हो और अगर कुछ भी इसमें चेंजिंग होगा तो मैं बता दूंगा, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग टीम के बारे में बात करें, टीम कुछ इस तरह से, देखो मैंने अभी पंत को रखा है क्योंकि पंत को कभी भी हिट करने के लिए इंडिया भेज देता है, तो आप लोग को पंत से उम्मीद कर सकते हो। और पिछले मैच में 50 रन का स्कोर भी किया था, तो फॉर्म में वापसी कर लिए हैं, पहले कुछ मैचेस में अच्छे नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। अगर इनके जगह पर अगर आप लोग इंग्लैंड की तरफ देख रहे हो तो बटलर को ले सकते हो, अगर बैरिस्टो की जगह खेलते हैं तो। अभी मैं वैसे पंत के साथ ही जा रहा हूँ। और उसके बाद साहा खेलेंगे नहीं, बिलिंग्स खेलेंगे नहीं। उसके बाद बैटिंग में हम लोग बात करें तो रूट, विराट कोहली, राहुल, ये 3 ऑप्शन बेस्ट हैं। अगर आप लोग
अगर बॉलर या ऑलराउंडर कम करके चाहो तो रोहित शर्मा को ले सकते हो, और रोहित शर्मा अगर खेलते हैं तो, रोहित शर्मा थोड़ा सा उनको चोट लगा है, अगर खेलते हैं तो ठीक है, नहीं खेलेंगे तो मयंक अग्रवाल खेलेंगे उनके जगह पे। और रोहित शर्मा खेलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको लूँ अपनी टीम में एक बॉलर कम करके। और अगर आप लोग देख रहे होगे इंग्लैंड की तरफ, तो मलान भी अच्छे ऑप्शन हैं, और बंस, आपको बंस या हामिद में से किसी एक को ले सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो जडेजा और ओक्स बेस्ट ऑप्शन है। मोइन अली को काफ़ी विकेट नहीं मिल पा रहा है, बैटिंग थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है, तो इनके तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। सैम करन खेलेंगे नहीं, अक्षर पटेल खेलेंगे नहीं, लॉरेंस खेलेंगे नहीं। उसके बाद अश्विन अगर खेलते हैं तो मैं देखूँगा। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो एंडरसन, बुमराह, रॉबिन्सन, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का सबसे प्लस पॉइंट है ये बैटिंग भी कर लेते हैं, पिछले मैच में दोनों इनिंग्स में 50 किए थे, तो काफ़ी अच्छा आप लोग पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। उमेश यादव काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इनको अंडर रेटेड किया जाता है हमेशा, नहीं खेल पाते हैं पूरा मैच, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, इनके पास स्पीड भी है और स्विंग भी है, तो हो सकता है इनको गुच्छों में विकेट मिल जाए तो हम लोग एक तरफा जीत जाएंगे, तो मैं उमेश यादव के साथ जा रहा हूँ। उमेश यादव के जगह पे अगर किसी और को लेना चाहो तो कुछ अच्छा ऑप्शन है नहीं। अगर शामी खेलते हैं तो आप लोग उमेश यादव के जगह मोहम्मद शामी को ले सकते हो। उसके बाद हम लोग अगर टीम डेमो की बात करें तो टीम कुछ इस तरह से मेरी बन रही है। अभी फ़िलहाल के लिए कैप्टन जो रूट हैं, वाइस कैप्टन क्रिस ओक्स हैं। अगर अदर वाइस कैप्टन की बात करें तो विराट कोहली, जडेजा या किसी बॉलर की तरफ देख रहे हो तो बॉलर में एंडरसन या रॉबिन्सन को बना सकते हो। शार्दुल ठाकुर भी अच्छे ऑप्शन है, आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे तो आप लोग इनको बना सकते हो। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजिंग होता है, अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो यहाँ पर रोहित शर्मा को मैं लेने का कोशिश करूँगा एक बॉलर कम करके, तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना। टेलीग्राम पर अभी भी नहीं जुड़े तो मैं बता दे रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हो। हज़ारों लोग खेल के फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी डेली खेल के फ़ायदा उठा सकते हो। और वहाँ पर हर एक मैच, डोमेस्टिक मैच से इंटरनेशनल मैच, सभी के मैच टीम मिलती है एक्सपर्ट के द्वारा। और आप लोग अगर अभी IPL भी आ रहा है तो IPL के भी सारे मैचेस मैं कवर करूँगा और उसकी भी टीम काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट के द्वारा मिलेगी, तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हो। और उसके बाद अगर कुछ भी इसमें चेंजिंग होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूँगा, मैं बता दिया कैसे जुड़ना है, और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही आएगी टॉस के बाद। तो आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी लोग जान पाएँ कि कैसे क्या करना है, किस तरह से टीम बनती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, थैंक यू।